उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में नमो केंद्र का बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उद्घाटन किया, जिसका क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड समेत अन्य योजनाओं का जनता को लाभ होगा। मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो गरीब समर्पित सरकार है। जिस प्रकार से आप जानते हैं अनेक योजनाएं जो है गरीबों के लिए चली हुई है, सुंदर नगरी में भी जो कि बस्ती है, इसलिए यहाँ पर नमो सेवा केंद्र का जो उद्घाटन हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदेश गुप्ता जी ने किया, रामवीर जी ने किया, हमारे नीरज तिवारी जी ने किया, ये दिल्ली प्रदेश में संयोजक हैं इसके और नमो सेवा के। और इसी प्रकार से यहाँ के लोगों को जो जागरूकता मिलेगी, यहाँ के लोगों को जानकारी मिलेगी कि हमारी योजनाएं जो चली हुई हैं उनका लाभ नरेंद्र मोदी जी जो दे रहे हैं इनसे प्राप्त होगा। हमारा जैसे हमारी जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना है, हमारा ई श्रम कार्ड है, हमारा जो आधार कार्ड है, आपका जो एक बहुत अच्छा हमारा ये है कि आर्थिक लोन जो मिलता है गरीबों को 10,000 रुपये का, उसकी जानकारी होगी। अनेक योजनाएं हमारी जो है नी नमो ऐप के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करेगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब समर्पित सरकार है। गरीबों के लिए कई योजनाएं चली हैं, जिसमें सुंदर नगरी में भी झुग्गी बस्ती है, इसीलिए यहां पर नमो केंद्र का आदेश गुप्ता ने उद्घाटन किया। रामवीर सिंह विधूड़ी और नीरज तिवारी भी शामिल रहे, जिससे लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड समेत अन्य कई योजनाएं नमो केंद्र के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करेंगी।